ज्योतिष आचार्य जी, मई का महीना शुरू होने वाला है और हर महीने जो महीने का 5 दिन है वो अशुभ माना जाता है, उसे पंचक कहते हैं। मई के महीने में पंचक की शुरुआत किस तारीख से होने वाली है और यह कौन सा पंचक कहलाता है, इसमें व्यक्ति को किस तरह सतर्क रहना चाहिए? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। हर महीने में पंचक लगता है। 27 नक्षत्र में 5 नक्षत्र जो हैं वह गंड नक्षत्र कहलाते हैं, पंचक का नक्षत्र कहलाते हैं। तो इस बार जो पंचक गुरुवार 2 मई से माने 11:30 से प्रारंभ हो रहा है और 6 मई 4 बजे शाम तक रहेगा। इस बीच में जो गुरुवार को पंचक प्रारंभ हो रहा है, गुरुवार को पंचक जब लगता है तो उसे अग्नि पंचक कहते हैं। तो अग्नि पंचक में विशेष रूप से अग्नि से सावधान रहने की आवश्यकता है। 5 दिन में अग्नि अपनी प्रबल ताकत दिखाते हैं, इसलिए अग्नि ताकतवर हो जाते हैं। तो ताकत जब अग्नि में आता है तो कहीं कहीं आग लगने की भी संभावना होती है। तो ऐसे पंचक में अग्नि से सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि अग्नि प्रबल होकर के प्रचंड ताकत दिखा करके आपको क्षति न पहुंचा दे। अग्नि संबंधित कार्य जो करेंगे, घर संबंधित कार्य, ये कदापि न करें। और दक्षिण की यात्रा तो एकदम नहीं करें इस पंचक में। अग्नि पंचक है, यह जिस प्रकार की अग्निमान होता है आपके शरीर को झुलसा सकता है, अग्नि प्रचंड हो जाता है। इसलिए गुरुवार से पंचक प्रारंभ होकर के 6 मई तक जो पंचक रहेगा इसमें अग्नि से विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है।